Hello guys, this is Claudia again, and this is Cesar again. Hi again. Hi again. Okay guys, so well, we are watching Dangal. This is the part number 3, and we want to know what will happen. So we are not talking too much during this part. We will talk everything at the end, okay? So well, before going, don't forget to give it a like and share with your friends and subscribe to the channel. And also, I will link my social media here. Okay, so well, let's continue. Let's begin. बेशर्म हो गया अपनी छोरियों को छोटी छोटी निकर पहना के छोरों के साथ कुश्ती करवा रहा है। पहलवान निकर करके तुम दोनों की चाल एकदम मर्दानी हो गई है। आगे पता नहीं क्या होगा। आगे एक शब्द बोला ना तो तेरा मुंह होगा और मेरा जो तुम्हें छोरा दे देती तो यो दिन ना देखना पड़ता। इनकी माँ ने भी तो मुंह में दही जमा रखा है। सारा काम असराम पे कौन कराएगा छोरियों से ब्याह? मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि छोरे उनको देखने हैं नहीं, वो छोरों को देखने जावे। आज तो मैं पापा को बोल दूंगी कि पहलवानी जम नहीं रही है। मैं भी POY boy CAT cat पापा वो पहलवानी जम नहीं रही है। हाँ पापा, और ना वो गीता दीदी तो इतना थक जाती हैं कि क्लास में ही सो जाती हैं। बाय गॉड, पढ़ाई पे बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है। पपीता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है, किस करवट से होवे समझ नहीं आता। स्कूल में छोरियाँ गीता दीदी को मर्द मर्द बोल के चिढ़ाती हैं। बताओ इनमें से तो मन ने कोई प्रॉब्लम ना लग रही, कोई असली प्रॉब्लम हो तो बताओ। चल। हाँ पापा, वो मट्टी में कुश्ती कर करके सारे बाल खराब हो रहे, इसका तो जूं भी पड़ गई। शाम को 8 मारी है। यो है असली प्रॉब्लम। ठीक है, कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। आप सुबह उठने को बोलोगे हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा, प्लीज बाल मत कटवाओ। काट दो, बड़ा सके है कि He was the same guy who was selling the sweets. Yeah. Not the sweets. Hello. Oh my god. They cannot believe it. Oh. He's too strict. Yeah, wait, just wait. What is the problem for them to have them like one bomb in the head? But they were saying it as an excuse. They didn't want actually to. Yeah, but he had no excuse because I was still there. Oh, this is terrible. Yeah. Because they were lying. They did that to me when I was in school time, when I was living. Oh no, it's too small. It's too small, no, not that way. Wow. Now they're looking like boys. Now they do look like boys. Oh my god. The worst thing is that they are not feeling boys, so this is bad. Yeah. Actually, they look good, but even though, no, but that age, the time, yeah, other age, the society also around them. Oh my goodness. पहलवानी तक तो ठीक था भाई साहब, पर इस तरह घुटमुंडा करवाना ठीक ना है। छोरियां हैं। बस इतना समझ ले, जो भी कर रहे हो उनके भड़े के लिए कर रहे हो, और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। अरे चौधरी का चांद है कि आफ्ताब है, समझ नहीं आ रहा भाई, आज तो दोनों साथ साथ है। जान दे बबीता, अपना टाइम खराब चल रहा है। पहलवानी
बहुत होगी पहलवानी, अब दंगल होगा। इसके बाद हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली डिस्ट्रिक्ट भिवानी में आजादी की एक छोटी सी लड़ाई लड़ी गई। क्रांतिकारी गीता और क्रांतिकारी बबीता वर्सेज हुकमरान महावीर सिंह। ताऊ जी के हर सेनानी पे दबे पांव अटैक किए गए। अलार्म घड़ी को चलाकी से गुमराह कराया गया। क्या बात है पापा, आज लेट हो गए? उम्र हो गई है। कोई नहीं, हमने तो प्रैक्टिस कर ली। चल बबीता। न जाने कितने लट्टू वीर गति को प्राप्त हुए। यो बल्ब रोज फ्यूज किस तरह हो जाता है? क्वालिटी पापा जी, क्वालिटी। ट्रेनिंग में पेनिंग का बहाना बनाया गया। रणभूमि में बिना किसी दबाव के सरेंडर कर दिया गया। लगाओ केक। और ताऊ जी दोनों हाथ होते हुए भी अपने आप को सोले के ठाकुर की तरह हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। पर ताऊ जी सब समझ रहे थे कि गीता और बबीता अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई थी। और गीता बबीता को लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है। सुनीता की मेहंदी में जा रही हो? वो मम्मी नाक कटवानी है क्या मेरी? गौर सी। I love this bindis. Oh, they look so pretty. Yeah, they do. Dekho to. Chalo, meri churiyan churiyon jaisi to lag rahi hain. Papa ko mat batana. 8 ke pehle aa jana. Oh wow, she doesn't have a face that प्रैक्टिस मिस करी। इतना बड़ा बवाड़ खड़ा करने की जरूरत थी?
कौन बाप अपनी छोरी से पहलवानी करवाता है? सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाता है, मजदूरों की तरह काम करवाता है, छोरों से लड़वाता है, और जरा सी चूचा करो तो सर के पास तक जाता है। ऐसा बाप भगवान किसी को ना देवे। काश भगवान ने ऐसा बाप मुझे दिया होता। थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है, वरना यहाँ तो हाल यूँ है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका, करा लो उसे झाड़ू पोछा, और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले, छुड़ा दो पीछा, कर दो उसे एक ऐसे मर्द के वाले जिसे उसे कभी देखा ही नहीं, करने तो पैदा बच्चे, पालने तो उन्हें। थारा बाप कम से कम थारे को औलाद का दर्जा तो दे रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है, उनकी चली कट्टी सुनकर चुप है क्यों? Their perspectives, no? Like, ताकि तुम दोनों कुछ बन सको। इसमें गलत क्या कर रहे हैं वो? The complete opposites. The two girls and her. कर दिखाने का मौका जब किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। किस्मत का सादर पर नाम है प्यारे दंगल 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 दंगल। उस दिन एक बात तो मेरी समझ में आ गई थी, गीता बविता का तो पता नहीं था, पर मेरे खून में पहलवानी कतई ना थी। देख कैसे कह रहे, इतना घी दे दे मां, किक्कर हो गया है। वो तो मैं तेरा मन रखने के लिए जानबूझ के हार रहा हूँ। चल केटू जट्टू, जानबूझ के हार रहा हूँ। रह टेंशन मत ले, बात अपने बीच में रहेगी। है तो तू भी अपनी फैमिली का, तेरी बदनामी में हमारी बदनामी भी है। चादा उछले मत, कल देख लेना। कल ना हो पाएगा तेरे से। नहीं ताऊ जी, कल पक्का टफट दूंगा। कल हम रोहतक जा रहे हैं दंगल लड़ने। लेकिन मैं दंगल के लिए रेडी ना हूँ ताऊ जी। रे तेरी बात कौन कर रहा है? ओह माय गॉड, ओह नो। यो लड़ेगी छोरों से? अरे 2 मिनट भी ना टिक पावेगी ताऊ जी। क्यों, तू छोरा ना है क्या? वैसे तो मैंने बहुत दंगल देखे थे, पर आज ऐसा दंगल देखने जा रहा था जो हरियाणा में पहले किसी ने ना देखा था। बवाड़ तो होना ही था।
महावीर सिंह जी फोगाट राम 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 आप दंगल देखने आए शोभा बड़गी मारी साथ पहलवान भी लाया हूँ नाम बताओ गीता कुमारी फोगाट जी गीता कुमारी फोगाट छोरी से दंगल लड़वाओगे हाँ तो लिख देखो भाई साहब जिस दिन रोटी बेलने का कंपटीशन कराऊंगा ना उस दिन लेना कितना जी भाई दंगल हो रहा है बड़ी दूर से आए हैं लड़े बिना तो जावेंगे नहीं या तो गीता लड़ेगी या तू और मैं मतलब एक तो आप गलत बात कर रहे हो और ऊपर से जिद भी कर रहे हो ये गलत बात कर रहा हूँ मैं छोरी कहा छोरे से दंगल लड़वाओगे भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना है तो ना सही हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई तेरी इज्जत तो मैं यहीं उतार दूंगा भाई साहब देखिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ना हो सके ये ना हो पाएगा भाई साहब चल कमाल कर रहा है यार ये दाव लगाने का मौका मिल रहा है और तू वो कवर दे रहा है मतलब कितने साल से दंगल करा रहे हम 5 और कितने लोग आते हैं हमारा दंगल देखने मुट्ठी भर तो अरे मंदबुद्धि जरा सोच जिस शहर ने आज तक छोरियों को लड़ते हुए नहीं देखा उस शहर में छोरी छोरों से लड़ने अखाड़े में उतरेंगे तो कितने लोग आओगे दंगल ही टूट जाएगा हमारा छोरी के हाथ पांव टूट टाट के तो टूटने दे तू तो अपने टूटे दंगल पे मरहम लगा 2-2 रुपए भी लेगा ना टिकट के तो भी तेरे पहलवान महीने भर बैठ के खावेंगे महावीर जी भाइयों और बहनों गुड्डो और गुड्डियों आपने सांप निकलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी आग पर चलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी पर आज रोहतक के इतिहास में पहली बार छोरे के साथ दंगल लड़ने वाली छोरी को देखो आधे घंटे में लाल चौक पे टिकट सिर्फ 2 रुपए चीटड़ा है तो कहाँ अपने पहलवानों को शेरों से भी लड़वाता ना तो भी इतनी पब्लिक नहीं आती क्या लग गए कितने सेकंड टिकेगी अरे जब तक तू बोलेगा तब तक तो चित भी हो जाएगी ऐसे कपड़ों में लड़ेगी के रोमेट तो ऐसे ही पूछ रही है देखण में तो करारी लग गया यार अरे किट्टी सड़ी सड़ ना फट जावे और अब फट जावे तो फट जावे ना यार ओके गाइस बिफोर इट स्टार्ट वी विल गो टू नेक्स्ट पार्ट ओके ओके प्लीज ओह आई कैन नॉट सी यस व्हाट विल हैपन सो वेल एज आई सेड वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ बिकॉज़ वी वांट टू पुट एवरीथिंग एट द एंड ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड सी यू